हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका आकार केवल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का समुद्री बीच और यहाँ मिलने वाला सस्ता शराब बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गोवा में दो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। पुर्तगालियों ने सन 1510 से 1961 तक यानी 451 सालों तक गोवा में राज किया था। गोवा शांतिप्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का बहुत पसंदीदा स्थान है। गोवा में पर्यटकों की भीड़ सबसे अधिक गर्मियों के महीने में होती है। इस राज्य के अनेक बीच इसे सबसे श्रेष्ठ पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह सभी बीच दर्शनीय स्थल है। अगर आप गोवा में छुट्टी बिताने का प्लान बना रहे हैं तो गोवा में कई फेमस जगह है जहां आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहां के टीटो में बीच पार्टीज और ड्रिंक्स फेमस है। ट्रांस और हाउस म्यूजिक और अन्य समुद्री बीच होने के कारण गोवा हॉलिडे एंजॉय करने का हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं दोस्तों गोवा टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। मांडोवी नदी। पणजी के कदंबा बस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मांडोवी नदी का रिवर क्रूज पणजी का मुख्य आकर्षण है। शाम के सूर्यास्त के बेहतरीन अनुभव लेने की दृष्टि से यह रिवर क्रूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ घूमने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। गोवा टूरिस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पर एक पूरे दिन की बैक वाटर क्रूज यात्रा व्यवस्थित की जाती है। रिस मगोस किला। यह किला गोवा पर्यटन स्थलों एवं गोवा राज्य के प्रमुख विरासत स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण पुर्तगाली वाइसरॉय डी नोरोन्ना द्वारा 1551 में कराया गया था। इस किले का इस्तेमाल वाइसरॉय के निवास स्थान के रूप में किया जाता था। यह पणजी के कदंबा बस स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टिन। सेंट ऑगस्टिन के चर्च के 46 मीटर लंबे टावर को दूर से ही देखा जा सकता है। सेंट ऑगस्टिन अपने समृद्ध इतिहास की वजह से हमेशा से ही दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि अब यह अत्यंत जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, फिर भी इतिहास पसंद लोगों को आज भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह पणजी के कदंबा बस स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहां घूमने में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। सेंट कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट कैटरीना। यह चर्च भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है जिसका निर्माण 1619 में हुआ था। यह चर्च 115 फीट ऊंचा है। क्रिसमस के समय में यह चर्च हजारों पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस चर्च में 1 घंटी लगी है। इसकी सुमधुर आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह पणजी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ घूमने के लिए साधारणतः 1/2 घंटे का समय लगता है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च। इस चर्च का निर्माण 1594 में शुरू हुआ था एवं 1605 में यह बनकर तैयार हुआ था। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च ईसाई वास्तुकला के सर्वोच्च उदाहरणों में से एक है। इस चर्च के इतिहास के अनुसार यह सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर को संग्रहित करके रखा गया है। यह चर्च चमत्कारिक चिकित्सा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह चर्च
पणजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगुडा किला उत्तरी गोवा में 17वीं सदी का पुर्तगाली किला अगुडा किला है। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर मांडोवी नदी और अरब सागर के संगम पर है। यह एक 13 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है और एक सूखी गहरी खाई है। इस किले के भीतर कई इमारती है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। कलंगुट बीच। दोस्तों, गोवा में सबसे बड़ा बीच कलंगुट बीच है। कलंगुट बीच को समुद्र तट की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कलंगुट बीच एक 4 मील लंबा समुद्र बीच है जो कि बागा और कंडोलिम समुद्र तट के बीच स्थित है। यहाँ पर्यटक वाटर स्कीइंग, पैरा सेलिंग व डॉल्फिन ट्रिप्स के साथ आनंद उठा सकते हैं। कंडोलिम बीच गोवा में पणजी से 14 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित कंडोलिम बीच अरब सागर की लंबी तटरेखा का एक भाग है। यह बीच अगोड़ा किले के शुरू से होता है और चापोरा बीच पर खत्म होता है। बागा बीच पणजी के कदम्बा बस स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर बागा बीच उत्तरी गोवा में स्थित है। यह समुद्र बीच कलंगुट बीच और अंजुना बीच से घिरा हुआ है। जहाँ से कलंगुट बीच खत्म होता है वहाँ से बागा बीच शुरू होता है। बागा बीच अपने स्वादिष्ट सी फूड, नाइट लाइफ और टीटो के लिए फेमस है। अंजुना बीच। अंजुना बीच पणजी से 21 किलोमीटर दूर है। अंजुना बीच का पिस्सू बाजार भी बहुत फेमस है जहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट, फुटवियर, वॉल हैंगिंग, मसाले, झूले और बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हैं। इस बीच पर स्पोर्ट्स सुविधा जैसे 80 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और विंड सर्फिंग भी उपलब्ध है। इस बीच के पास अंजुना फ्ली मार्केट है जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। वेगेटर बीच। यह बीच पणजी के कदम्बा बस स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी गोवा में स्थित है। वेगेटर बीच अपनी खूबसूरत सफेद रेत और आकर्षित चट्टानों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि वेगेटर बीच की चट्टान से समुद्र का व्यापक दृश्य आकर्षित दिखाई देता है। चापोरा फोर्ट। चापोरा फोर्ट पणजी शहर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर बागा बीच के रास्ते में पड़ता है। चापोरा किला चापोरा नदी के किनारे आदिल शाह द्वारा किले का निर्माण करवाया गया था। मीरामार बीच। मीरामार बीच गोवा की राजधानी पणजी से केवल 3 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पर्यटक आकर अपना एक अच्छा रोमांटिक वक्त बिताना पसंद भी करते हैं। डोना पाउला। डोना पाउला जैसा पर्यटक स्थल भी मीरामार बीच के बहुत पास ही स्थित है। आप इस बीच में रिलैक्स करने के बाद वहाँ पर भी जा सकते हैं। आपको इस बीच के पास शॉपिंग करने के लिए भी अनेक छोटी छोटी जगह मिल जाएगी जहाँ से फेनी, काजू और भी कई तरह की गोवा की मशहूर चीज़ें खरीदारी के लिए मिल जाएगी। मापुसा मार्केट। मापुसा गोवा की फेमस जगह में से एक है। यहाँ हर शुक्रवार बाजार लगता है जहाँ कम दाम में अच्छी चीज़ें ली जा सकती है। प्रति शुक्रवार फल, सब्जी, कपड़े बेचने वाले, मिट्टी के बर्तन, आभूषण विक्रेता और स्थानीय लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं। पणजिम गोवा कैसीनो। दोस्तों, गोवा में कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। गोवा में आप जमीन पर स्थित या समुद्र में आइलैंड पर बने कैसीनो दोनों पाएंगे। कई कैसीनो मांडोवी नदी पर पणजिम में स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इस वाटरफॉल का पानी दूध की तरह सफेद है। यह भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि गोवा की मांडोवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 मीटर है। यहाँ पर आकर आप
हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देसी और विदेशी लोग वाटरफॉल के नीचे पानी में नहाने के लिए आते हैं। दूध सागर वाटरफॉल पणजी से 71 किलोमीटर दूर है। गोवा के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर पहुँचने के लिए आपको रेंट पर मिलने वाली बाइक या कार का प्रयोग करना चाहिए, जो कि गोवा में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, हवाई मार्ग से गोवा कैसे पहुँचे? दोस्तों, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वास्को द गामा में स्थित है। यह एयरपोर्ट देश के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से गोवा कैसे पहुँचे? गोवा में वास्को द गामा रेलवे स्टेशन व मड़गांव रेलवे स्टेशन, यह दो बड़े रेलवे जंक्शन स्थित है, जो कि गोवा के नज़दीक है। समुद्र मार्ग द्वारा गोवा कैसे पहुँचे? आप क्रूज पर गोवा भी जा सकते हैं। अंगरिया क्रूज, जो कि मुंबई से शाम को 4 बजे चलता है और सुबह 9 बजे आपको गोवा पहुँचा देगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।